एक्शन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आ गए हैं हम विकास भवन पर, जहां मात्र यहां से मुख्यमंत्री का निवास 100 मीटर की दूरी पर है। स्वास्थ्य मंत्री का निवास स्थान मात्र यहां से 100 मीटर की दूरी पर है। ये डॉक्टर ANM हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में काम करने वाले समस्त कर्मचारी हैं, अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सचिवालय पे इन्होंने दिल्ली सरकार हाया, केजरीवाल हाया, स्वास्थ्य मंत्री हाया के नारे लगा रहे थे, और आज जब इनकी बातों को वहाँ नहीं माना गया तो आज यहाँ पर दिल्ली विकास भवन खंड 2 पर आकर ये अपनी मांग को लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीता, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं। हम सब अपनी डिस्पेंसरीज अपने अपने हॉस्पिटल में अपने रेगुलर काउंटर पार्ट से बराबर काम करते हैं और उतनी ही क्वालिफिकेशन है। मैंने MBBS PG दोनों किया हुआ है। हमारे पास जो नर्सेज हैं, चाहे वो रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, NHM वाली हैं या DHS वाली हैं, दोनों ही बच्चों को टीका लगाती हैं, स्टोर से वैक्सीन लेकर आती हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, तो हमारे क्वालिफिकेशन और काम में कोई फ़र्क नहीं है। जो क्वालिफिकेशन एक रेगुलर एम्प्लॉय की है, जो काम एक रेगुलर एम्प्लॉय करता है, वही हम भी करते हैं, लेकिन हमें तनख्वाह उनसे 1/3 मिलती है। तनख्वाह कम होने के अलावा हमारे पास कोई बेनिफिट्स नहीं है, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स या चाइल्ड केयर लीव या बच्चों का ट्यूशन फी रीइंबर्समेंट या LTC, ऐसे हमारे पास कोई बेनिफिट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जी ने कब से कह दिया है कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई कॉन्ट्रैक्ट पे हो, किसी प्रोजेक्ट में हो, एडहॉक हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर काम कर रहा है, बराबर क्वालिफिकेशन रखता है, तो उसकी तनख्वाह और बेनिफिट बराबर होने चाहिए। हम लगातार 3 सालों से ये लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा हमें कोई लॉलीपॉप दे देती है, 5-10% बढ़ा के, 5-10 छुट्टियां बढ़ा के दे देती है और आश्वासन दे देती है कि हाँ आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। हम लोग अपने काम के लिए इतने सिंसियर हैं कि हम जल्दी काम पे लौट जाते हैं, फिर जब हम पता करते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ, हमें तनख्वाह पूरी क्यों नहीं मिली, तो कहते हैं फाइल फलां जगह अटकी हुई है, फलां जगह अटकी है, फलां जगह अटकी हुई है। तो अब इन सारी अटकी हुई फाइलों को हम निकलवाएंगे और रिटर्न जो कन्फर्मेशन है वो हम लेकर ही उठेंगे, चाहे इसमें महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं या साल लग जाए। डॉक्टर नीता जी, जब आपको इसमें रखा गया था, इस जॉब में रखा गया था, तो आपको कुछ काम बताया था या मतलब आप अपनी मर्जी से काम कर रही हैं? हमें बस इतना काम बताया गया था कि आपको सिर्फ इम्यूनाइजेशन और ANC मतलब कि बच्चों का टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की जांच, ये सुपरवाइज करना होगा। लेकिन जब हमने ज्वाइन किया तो हमसे जनरल OPD भी कराई गई, हमें दूसरे डिस्पेंसरी में जब कोई डॉक्टर रेगुलर डॉक्टर छुट्टी पे होता है तो उसका काम देखने के लिए भी भेजा जाता है। 8 से 2 की ड्यूटी के बाद हमारे ऑफिस में जो मीटिंग्स होती हैं, जो 6-7 बजे तक चलती हैं, हमें वो भी अटेंड करने के लिए कहा जाता है। हम सब, चूँकि हमारे सीनियर्स हमें काम बताते गए, हमारे CDMO हमें काम बढ़ाते गए, तो हम काम से पीछे नहीं हटे, हम मुस्तैदी से सारा काम करते गए। लेकिन एक रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर काम करने के बाद जब तनख्वाह हम उनसे 1/3 मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमें ये खटकता है और हम सब अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार हैं। आज मेरी डिस्पेंसरी में मुझे पता चला है कि जो रेगुलर डॉक्टर पोस्टेड है वो 2 घंटा लेट आती है, 2 घंटा पहले चली जाती है और मरीजों को ठीक से भी नहीं देखती। वहाँ की पब्लिक से आए दिन मुझे फ़ोन आता है, मैडम आप कब वापस आओगे? मैंने कहा बेटे मेरे को तनख्वाह नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा मैडम आपकी जगह जो रेगुलर डॉक्टर आई हैं वो मरीजों को ठीक से नहीं देखती हैं। तो क्या आप सरकार आँख बंद करके बैठी है, कान बंद करके बैठी है? मेरी डिस्पेंसरी सीट POSC राणा जी इनक्लेव में इंस्पेक्शन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं जाके देखा जाता कि वहाँ मरीज परेशान हो रहे हैं, बच्चों का टीकाकरण नहीं हो रहा है, गर्भवती महिलाओं को लौटाया जा रहा है? धन्यवाद।